हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। तो आज मैं बात कर रहा हूँ ल्यूकोरिया के बारे में, यानी कि जिसको हम श्वेत पदर के नाम से भी जानते हैं। महिलाओं में योनि मार्ग से निकलने वाला सफ़ेद पानी, जिसको हम ल्यूकोरिया श्वेत पदर के नाम से जानते हैं। कई बार इनका रंग सफ़ेद होता है, पीले कलर का भी होता है, हल्के गुलाबी कलर का भी होता है, हल्के से लाल कलर का भी होता है, हल्का सा हरा कलर भी होता है इनका। इससे कई बार योनि मार्ग पे बहुत ज़्यादा स्मेल महसूस होती है, यानी कि बदबू आती है, जलन महसूस होती है, उसमें खुजली होने लगती है, पेड़ों में दुखन रहती है, कमर में दर्द होती है, पिंडलियों में खिंचाव होता है, कमजोरी सी महसूस होती है, थकान सी महसूस होती है। यानी कि आप इसमें कह लीजिए कि अगर आप कुछ भी अच्छे से अच्छा अगर आप खाते हैं तो वो खान पान भी आपके शरीर को लगता नहीं है, हमेशा आपको गिरा गिरा शरीर महसूस रहता है। कई बार बहुत सी महिलाओं में देखा गया है कि अगर इस बीमारी से वो जूझ रही हैं तो उनमें चिड़चिड़ापन हो जाता है, गुस्सा उनको ज़्यादा आता है। मूत्र मार्ग या गर्भाशय में अगर किसी कारणवश सूजन आ जाती है, उनमें इन्फेक्शन हो जाता है, तो ये सफ़ेद पानी की परेशानी उत्पन्न हो जाती है। और होती कैसे है ये सूजन, आती कैसे है? सिर्फ हमारे खान पान की वजह से, या हम सही से अपनी देखभाल नहीं कर पाते। हम शरीर की स्वच्छता पर ध्यान तो दे लेते हैं, लेकिन कुछ हमारी अंदरूनी चीज़ें होती हैं जिन पर हम इतना ध्यान नहीं देते। मैं ये नहीं कहता सभी नहीं ध्यान देते, बहुत सी औरतें बहुत ध्यान देती हैं लेकिन बहुत सी नहीं ध्यान दे पाती। तो सबसे पहले मैं उनसे कहूँगा कि इस पर भी थोड़ा सा गौर करें, इनकी थोड़ी सी साफ़ सफाई आप रखें। जब भी आप बाथरूम के लिए जाएं तो इसको वॉश जरूर करें, आप चाहे नॉर्मल पानी से वॉश करें, वॉश जरूर करें। कई बार जब ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ें खाते हैं, बाहर का तला भुना ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा मात्रा में, बहुत सी महिलाएं, बहुत सी लेडीज़ या बहुत सी गर्ल्स ऐसी होती हैं कि ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ें खाती हैं या तला भुना ज़्यादा प्रयोग में लाती हैं, तो उनको ये स्थिति उत्पन्न बहुत जल्दी हो जाती है। कई बार हार्मोन्स इनबैलेंस के कारण भी ऐसा हो जाता है कि ये स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बहुत सी महिलाएं ऐसी भी हैं या गर्ल्स ऐसी भी हैं कि तरह तरह की दवाई लेकर परेशान हैं, थक चुकी हैं। बहुत से ऐसी भी हैं कि हर तरह के नुस्खे आपने आजमा लिए, एलोपैथिक मेडिसिन ले ली, आयुर्वेदिक भी ले चुकी हैं, लेकिन उनसे भी कोई फ़ायदा उनको नहीं मिला। जब तक लेती हैं तो ठीक रहता है, फिर वही सिचुएशन आती है। तो आज मैं आपको बता देता हूँ ऐसा नुस्खा जो मात्र आप 3 दिन में इसको बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं जड़ से। मैं आपको 2 से 3 नुस्खे ऐसे बताऊंगा जो आप आसानी से इसको ख़त्म कर सकते हैं। 2 से 3 में इसलिए कहूंगा क्योंकि हर किसी को हर चीज़ सूटेबल नहीं होती, तो उनके अनुसार आप कुछ भी एक चीज़ कर सकते हैं इसमें से, जो भी मैं आपको बताऊं। ज़रूरी नहीं है आप सारी एक साथ करें, कोई भी एक चीज़ आप कर लें। दावा मेरा ये है कि जड़ से ही दिक्कत आपकी ख़त्म हो जाएगी और दोबारा उत्पन्न नहीं होगी। ल्यूकोरिया की एक सामान्य स्थिति ये भी होती है कि जब आपको पीरियड्स आने वाले होते हैं, 1-2 दिन पहले ही ये श्वेत पदर होता है, या ल्यूकोरिया जब होता है जब आपके पीरियड्स खत्म हो चुके होते हैं, वो भी 1 या 2 दिन बस, ये सामान्य स्थिति होती है, इसमें घबराने वाला विषय नहीं है। अगर किसी को लगातार ये परेशानी होती है, लगातार सफ़ेद पानी की परेशानी है, तो आपको ये चिंता वाला विषय है, सोच विचार करने की ज़रूरत है, फिर आपको दवाइयों की ज़रूरत है कि आप इसका उपचार करें। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा सफाई के लिए बता देता हूँ कि आप क्या प्रयोग करें। अगर कोई भी आप लोशन इस्तेमाल करते हैं तो वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको इजीली बता देता हूँ क्या रहेगा और स्वच्छ क्या रहेगा आपके लिए। तो आप एलोवेरा ले लें, एलोवेरा जेल से भी आप वॉश कर सकते हैं, या फिर एलोवेरा का अगर पेड़ लगा हो उसको ले लें आप, थोड़ा सा ले लें आप, यानी कि 3 से 4 इंची का टुकड़ा लेकर अच्छी तरह से पानी में उबाल लें, उसको छानकर कॉटन में रुई में डुबोकर उसको लगाकर और फिर उसको वॉश कर सकते हैं। अपने हिसाब से जैसे आप कर सकते हैं वैसे आप इस्तेमाल करें। एक तो ये हो गया, सबसे बेस्ट है ये वॉश करने के लिए। नहाते समय वॉश कर लिया करें, बाथरूम जाते समय वॉश कर लिया करें, या कई बार ऐसा होता है संभोगी क्रिया के बाद भी कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं कि उसको वॉश नहीं करती, ये सबसे गलत बात होती है। इससे क्या होता है, इन्फेक्शन ज़्यादा फैलने का डर होता है, फिर वो इन्फेक्शन तब्दीली में बदल जाता है कई बीमारियों में। तो सबसे पहले तो ये अनुरोध है उन महिलाओं से कि ऐसा ना करें, वो जब भी ऐसी स्थिति हो तो वॉश इसको ज़रूर करें आप। चलिए अब मैं सीधे औषधि की तरफ चलता हूँ कि औषधि आपको क्या लेनी है। अगर आप चाहते हैं कि हमें बीमारी बहुत ही कम समय में ख़त्म हो जाए, तो मैं ऐसा उपचार आपको बता रहा हूँ, सिर्फ आप 3 दिन इस्तेमाल करें, बिल्कुल स्टॉप हो जाएगी आपकी दिक्कत। तो आप भीम सैनी कपूर ले लें इसके लिए। भीम सैनी कपूर आसानी से अवेलेबल है हर जगह, हर क्षेत्र में, किसी भी पंसारी जड़ी बूटी की दुकान पर भी मिल जाता है, और अच्छे से अच्छे किसी भी किराना स्टोर पर भी मिल जाता है। तो भीम सैनी कपूर आप ले आएँ, उसको पीस लें, बिल्कुल बारीक कर लें आप, और उसको 1 केले के साथ लेना है आपको। किस तरह से, 1 चने के दाने के बराबर आप ले लें। अब 1 केला ले लें आप, और उसको किसी बर्तन में, कटोरी वगैरह में करके केले को अच्छी तरह से मैश कर लें, मिक्स कर लें। 1 चने के दाने के बराबर उसमें भीम सैनी कपूर डाल के अच्छी तरह से मिक्स करके उसे सुबह खाली पेट खा लें। 3 दिन आप लगातार खाएं, यकीन मानिए रिजल्ट आपको 101% मिलेगा। दूसरा उपचार बता देता हूँ मैं, कई बार किसी को सूटेबल नहीं होता, वैसे तो मेरे ख्याल से तो ये 101% कारगर है और ज़बरदस्त रिजल्ट है इसका, और यकीन मानिए 3 दिन में ही ख़त्म हो जाती है।
और दोबारा उत्पन्न नहीं होती स्थिति। अगर आप अपना ख्याल रखते हैं स्वच्छता का और अपनी सेहत का, अपने खान पान का। दूसरा उपचार मैं बता देता हूँ आपको, लोध पठानी आती है, लोध पठानी भी बोल देते हैं इसको, आप ये ले लें 50 ग्राम, और इसके अंदर 50 ग्राम ताल मखाना, ये भी दोनों चीज़ें आसानी से मिल जाएंगी आपको। ये दो चीज़ ले लें आप, लोध पठानी या लोध पठानी और ताल मखाना, 50-50 ग्राम ले लें, पीस के बारीक पाउडर बना लें। अब इसको एक एक चम्मच सुबह शाम खाना खाने से पहले ले लें या खाना खाने के बाद कभी भी ले सकते हैं, खाने में आधे घंटे का गैप कर लेना। सुबह अगर नाश्ते से पहले ले रहे हैं तो आधे घंटे पहले ले लें और आधे घंटे बाद नाश्ता कर लें, नाश्ते के बाद ले रहे हैं तो आधे घंटे बाद ले लें। इसी प्रकार से रात को खाना खाने के बाद ले लें या खाने से पहले ले लें। एक तो ये हो गया, यकीन मानिए इसका भी रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता है। 10 से 15 दिन अगर आपने सेवन कर लिया तो बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। अगर ज़्यादा बड़ी परेशानी है तो 1 महीने प्रयोग कर ले, बहुत है। तो आप ये करें, बस आपकी दिक्कत हमेशा के लिए ख़त्म होती चली जाएगी। तीसरा उपचार भी बता देता हूँ मैं, तो आपको इसके लिए लेना है साबुत धनिया। साबुत धनिया आप ले लें, पिसा पिसाया धनिया भी आता है, उससे बेटर रहेगा कि आप साबुत धनिया ले लें, उसको पीस लें, बारीक चूर्ण बना लें। इसके अंदर मिलाना है आपको आंवला, सूखा हुआ आंवला ले लें, वो भी पंसारी से आसानी से मिल जाएगा। सूखा हुआ आंवला और साबुत धनिया बिल्कुल बारीक पीस लें, आपस में मिक्स करके रख लें आप। अब सुबह खाली पेट 1 कप पानी के अंदर 1 चम्मच ये पाउडर डालें या 2 चम्मच डालें, ज़्यादा उचित रहेगा, 2 चम्मच ये पाउडर डाल लें आप, और इतना उबालें इसको कि आधा कप रह जाए। छान कर उसमें आवश्यकता अनुसार, अगर आपको पीने में थोड़ा सा अजीब सा लगे तो उसके अंदर नमक भी डाल सकते हैं, सेंधा नमक डाल लें, सफ़ेद नमक डाल लें, या फिर कच्ची खांड डाल लें, चीनी डाल दें, बूरा डाल दें, जो आपको उचित लगे, जो आपको अच्छा लगे वो डालकर आप पी लें। बस एक ये उपचार है, मैंने 3 उपचार आपको बताए हैं, जो भी आपको उचित लगे, जो भी बेटर लगे, जो भी सही लगे, जिसको आप कर सकते हैं वो आप कर लें। तीनों एक साथ ना करें, एक ही प्रयोग करें, कोई सा भी करें। मैंने 3 बताए हैं इसीलिए, मेरा उद्देश्य बताने का ये है कि किसी के क्षेत्र में कुछ नहीं मिल पाता, किसी के क्षेत्र में कुछ नहीं मिल पाता, तो जो भी आपको उचित लगे वो आप कर सकते हैं, रिजल्ट सभी का ही अच्छा है। और 10-15 दिन इस्तेमाल करें, जरूरत पड़े तो 1 महीना कर सकते हैं। बस आपकी समस्या यकीन मानिए बहुत जल्द ख़त्म होती चली जाएगी। जो भी मैंने नुस्खे बताए हैं, 3 दिन वाला ये तो 3 दिन में ही समाप्त कर देगा। अगर दूसरे दोनों उपचार करते हैं, लोध पठानी और ताल मखाने वाला, दूसरे से तीसरे दिन आपको रिजल्ट मिलता चला जाएगा। और तीसरा नुस्खा जो बताया है मैंने आंवले का और साबुत धनिए का, उससे भी 2 से 3 दिन में ही आपको 101% मिल जाएगा। बाकी आप ये औषधि इस्तेमाल करें और आपकी बीमारी जड़ से ख़त्म होती चली जाएगी, दोबारा कभी नहीं होगी, ये हकीकत है। बाकी मैं यही आशा करता हूँ, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। बाकी यही कामना करता हूँ कि जहाँ भी आप होंगे, जिस क्षेत्र में होंगे, हंसी पूर्वक रहेंगे, हंसते रहेंगे, खुश रहेंगे और अपने घर वालों का भी ध्यान रखें। धन्यवाद।